हेलो ऑल, आप लोगों को एनडीए एलआई का एक मेल आया होगा आपके मेल आईडी पे, जो ऑफिशियल मेल आईडी कॉलेज का, उस मेल आईडी पे। उसमें आपको इस तरह से एक मेल दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ इसमें रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे, रजिस्टर नाउ पे जैसे आप जाएंगे तो आपके साइड में एक नया विंडो खुल जाएगा। आपको ये विंडो खुलेगा। आपको इस विंडो के अंदर आपके लॉगिन, जो आपने एनडीएलआई का जो लॉगिन आपने दिया होगा, उसके लॉगिन और पासवर्ड डालना रहेगा। उससे आप लॉगिन कीजिए। वो स्लो है। लॉगिन करने के बाद आपको आपको एक फ्रंट पेज आपको ये दिखेगा इस तरह से। इसमें एनडीएलआई क्लब, होम, इवेंट्स, हाइलाइट्स और फाइंड मोर इवेंट्स और इवेंट रिवॉर्ड अपकमिंग, इस तरह से आपको दिखेगा, ऐसे पॉपअप होगा। इसके बाद आप फाइंड मोर इवेंट्स पे जाइएगा। थोड़ा मेरा पीसी स्लो है यहाँ पर। इसके बाद आप जो अपना आईपीएस अकेडमी का जो जो हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, वो अभिव्यक्ति नाम से आपको यहाँ पर दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। अभिव्यक्ति पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी। और यहाँ आप इस पर आप चेक एबिलिटी पे जा सकते हैं। यहाँ उसको आप चेक कीजिए एलिजिबिलिटी पे। फिर इसमें अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अगर आपने इसमें नहीं प्लेस किया होगा, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ आपको प्लेस करना रहेगा। वो किस तरह से रहेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक विंडो पॉपअप हुई होगी, क्लिक हियर टू अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ इन एनडीएलआई वेबसाइट। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, एक नया विंडो आपके पास यहाँ खुल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे आप लॉग इन करेंगे, यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप कस्टमाइज में जाइएगा और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ पर प्लेस कीजिए। और उसको आप लॉग इन करके पासवर्ड करके आप चेक ओके कर सकते हैं और यहाँ उसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद वापस से उसके आप मेन फ्रंट पेज पे आइए, इसको सिंक्रोनाइज कीजिए इस डाटा को आप। सिंक्रोनाइज करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना रहेगा, क्योंकि जो इसकी हम लोग यहाँ पर एक चेक एलिबिलिटी का ऑप्शन आया था, वापस से आप उसको फाइंड कीजिए इवेंट में जाके। हम इवेंट में गए, यहाँ मैंने अभिव्यक्ति पे क्लिक किया, चेक एलिजिबिलिटी, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पार्टिसिपेट का। बस आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है।